नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक वीडियो में शोमुस बायोलॉजी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपी टेस्ट। अगर आपको सीआरपी टेस्ट दिया गया है और या फिर अगर आपको सीआरपी टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है तो उसका क्या मतलब है, सीआरपी टेस्ट से हमको क्या पता चलता है और सीआरपी टेस्ट डॉक्टर्स किस लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब किस चीज को जानने के लिए करते हैं, ये सब अगर आपके क्वेश्चन है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि सारे के क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में देंगे। Why this test? मतलब ये परीक्षा किस लिए दिया जाता है? चलिए, CRP क्या होता है? एक टर्म पर अगर लिखे CRP होता है C reactive protein, ऐसे के नाम प्रोटीन है, एक टाइप का प्रोटीन होता है। अभी ये क्या चीज है? CRP एक मार्कर कहा जाता है, मतलब CRP अगर ब्लड में हायर पाया जाए उसका मतलब है आपके बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन चल रहा है। तो उस इन्फेक्शन अगर चल रहा है तो क्या है उसको हम पता कर सकते हैं कि कौन सी इन्फेक्शन चल रहा है, कहां पर चल रहा है, ये सब कुछ हम देख सकते हैं। मतलब अगर आप किसी के डॉक्टर के पास गए और बोले कि हमको यहाँ पर पेन है, लोअर एब्डोमेन पेन है, तो आपको दो टेस्ट दिया जाएगा। एक तो ब्लड टेस्ट नॉर्मली, उसके साथ सीआरपी होगा, उसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि आप एक बार यूएसजी करवा लो। मगर यूएसजी जो है एक थोड़ा बहुत ये जो टेस्ट रहता है ब्लड टेस्ट का जो चार्जेस है कम रहता है जनरली, और यूएसजी या फिर कोई भी और अलग रेडिएशन का जो टेस्ट है उसके चार्जेस भी ज्यादा रहता है। तो डॉक्टर्स जनरली प्राइमरीली तो पहले ब्लड टेस्ट ही लिखते हैं कि चलो अब देख लेते हैं कि डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि लोअर एब्डोमेन, मतलब मानो यहाँ पर ये तो एब्डोमेन स्ट्रक्चर है, ऐसे एब्डोमेन रहते हैं यहाँ पर, तो एब्डोमेन में कुछ पेन है यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर पेन है, यहाँ पर अपेंडिक्स भी होता है, तो अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होने पर होता है अपेंडिसाइटिस, तो डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं अपेंडिसाइटिस हो सकता है, तो चलिए एक काम करके देखें सीआरपी चेक करते हैं। अगर यहाँ पर इन्फेक्शन है तो ब्लड का सीआरपी ज्यादा हो जाएगा। तो सीआरपी कैसे ज्यादा होता है? बॉडी में इसी जो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर मतलब यहाँ पर जो स्किन है हमारा, उसके नीचे क्या रहता है, एक टिश्यू जिसको कहा जाता है एडिपोज टिश्यू। वो टिश्यू येलो कलर का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ये है फैट, येलो मतलब फैट। यहाँ पर एडिपोज टिश्यू बॉडी का फैट स्टोरेज हाउस है, तो यहाँ पर फैट स्टोर रहता है। तो एडिपोज टिश्यू नॉर्मली यहाँ पर काम करता है। इस एडिपोज टिश्यू बाद में लीवर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि एक टिपिकल प्रोटीन, मतलब ये सीआरपी तैयार करने के लिए लीवर ऐसे प्लेस होता है, ठीक है। तो ये एडिपोज अगर लीवर को सिग्नल करे तो लीवर ये सीआरपी प्रोटीन तैयार करता है और ब्लड में रिलीज करता है। मगर क्यों? सीआरपी प्रोटीन हेल्प करता है बॉडी को इन्फेक्टिव एजेंट मतलब बैक्टीरिया के साथ फाइट करने के लिए। क्योंकि क्यों? बिकॉज मानो अगर इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में किसी भी जगह, यहां पर हो या फिर लीवर में हो या फिर स्टोमक में हो, हार्ट में, कोई भी बाहरी कोई स्किन पे हो, टिश्यू पे हो, फेस पे हो, कुछ भी जगह पर हो इन्फेक्शन चल रहा हो, मतलब आपको टीबी है या फिर कोई भी अगर इन्फेक्शन है, तो इस इन्फेक्शन चल रहा है तो मतलब बैक्टीरिया जो है वो जाके आपके बॉडी के जो सेल है उसको मार रहा है। तो जब सेल इन्फेक्टेड है तब सेल क्या करते हैं, बॉडी के कोई भी सेल जब इन्फेक्टेड रहता है तो वो बॉडी को बोलने की कोशिश करता है कि वो इन्फेक्टेड है। कैसे? सेल का एक स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा बहुत चेंज करके, तो स्ट्रक्चर मतलब सेल का जो बाहर के तौर पर स्ट्रक्चर उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, मगर एक पर्दा, तो सेल का जो पर्दा है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बदल देता है, एक कंपोनेंट जिसको कहते हैं फॉस्फाटिडिल कोलिन उसको बाहर भेज देता है। और फॉस्फाटिडिल कोलिन जब भी सेल के बाहर मतलब सेल के पर्दे के बाहर है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर आता है, तब जाके वो पता चलता है सीआरपी को। अब सीआरपी इस सिचुएशन में जब प्रोड्यूस हो गया तो सीआरपी उसके साथ बाइंड होता है और उस सेल को मार गिराता है। मगर उस सेल के अंदर बैक्टीरिया भी है, तो सेल को अगर मारे तो बैक्टीरिया भी मर जाएगा। यही टेक्निक है बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए। इसलिए जब कोई इंफेक्शन चल रहा हुआ होता है तब ये एडिपोज टिश्यू क्या करता है, लीवर को फोन करता है, मतलब इन्फॉर्म करता है कि आप सीआरपी तैयार करो, तो लीवर सीआरपी तैयार करके रिलीज करता है, तो तब ब्लड स्ट्रीम में सीआरपी जो है बहुत ही बढ़ जाता है। तो सीआरपी जनरल तौर पर बढ़ता है तो उसका मतलब होता है कोई इन्फेक्शन चल रहा है। और कुछ डिजीज होता है जहां पर सीआरपी बहुत ही बढ़ जाता है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज में सीआरपी बहुत बढ़ जाता है, तो ये रहता है सीआरपी। तो जब सीआरपी बढ़ेगा उसका मतलब क्या है, चलिए देखें। व्हाट विल हैपन इफ इट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, मतलब अगर ये वैल्यू ज्यादा या घट जाए नॉर्मल वैल्यू से तो कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं।
सीआरपी एक ऐसा चीज है ब्लड में जो बढ़ने से खतरा है, घटने से ज्यादा नहीं। तो अगर सीआरपी बढ़ जाता है उसका मतलब है बॉडी में कुछ एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है। तो नॉर्मल तौर पर अगर किसी को इन्फेक्शन है, ये कोई भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी तरीके का एक्यूट इन्फेक्शन या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन, कोई भी तरीके के इन्फेक्शन, लाइक मान लीजिए टीबी एक डिजीज है, इन्फेक्शन है वो चल रहा है, तो बॉडी का सीआरपी बढ़ जाएगा। वायरल इन्फेक्शन हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बॉडी का ब्लड का सीआरपी बढ़ जाएगा। मगर ब्लड का सीआरपी और भी बढ़ेगा अगर बॉडी में कुछ ऑटोइम्यून डिजीज है, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसा डिजीज जिसमें हमारा बॉडी का खुद के जो डिफेंस सिस्टम है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस के साथ फाइट करता है, वो सिस्टम खुद के अगेंस्ट हो जाता है, वैसा एक डिजीज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वैसा एक डिजीज है लुपस। तो ये सब डिजीज में सीआरपी और भी बढ़ जाता है। तो जनरली सिर्फ सीआरपी ही बढ़ता नहीं, उसके साथ साथ ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी बढ़ जाता है। अगर आपको जानना है कि ईएसआर क्या है और ईएसआर कैसे बढ़ता है, उसके लिए भी और एक अलग वीडियो है मेरा, वो आप देख सकते हो। तो ये दोनों ही बहुत बढ़ जाता है यहाँ पर, तो उससे पता चल जाएगा इन्फेक्शन चल रहा है। तो अगर किसी को सस्पेक्ट है कि यहाँ पर पेन है, अपेंडिक्स के इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो चेक करके एक बार देख लेगा, हाँ सीआरपी बढ़ गया, इसका मतलब इन्फेक्शन ही होगा। उसके बाद फिर से कंफर्म होने के लिए वो आपको यूएसजी करने के लिए भी बोल सकते हैं, डॉक्टर आप करके देख सकते हो कंफर्म हो, क्योंकि यूएसजी में दिखाई देगा पिक्चर में कि यहाँ पर कुछ है या नहीं, तो इससे पता चल जाएगा कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या नहीं। इस टेस्ट को करने के लिए कितना पेन को आपको झेलना पड़ सकता है उसका मात्रा, तो चलिए बात करते हैं पेन रेटिंग के लिए। इसके लिए कुछ नहीं, ये जो टेस्ट है सिर्फ ब्लड टेस्ट होता है, आपको आपके बॉडी से ब्लड लेना पड़ता है, 3 से 5 ml का ब्लड लगता है टेस्ट को जानने के लिए। ये टेस्ट अलग से किया जाता है, टोटल ब्लड टेस्ट के साथ साथ भी किया जाता है बहुत सारे लैब में। तो इस टेस्ट काइंड ऑफ रूटीन ब्लड टेस्ट के अंदर ही पड़ता है, क्या चेक कर लेते हैं कोई इन्फेक्शन चल रहा है या नहीं। तो ये टेस्ट के लिए सिर्फ ब्लड लेना, तो पेनफुलनेस रेटिंग जो है वो 3 out of 10। ये बीमारी कितना डेंजरस हो सकता है और उसका डिफिकल्टी रेटिंग कितना है उसके बारे में, चलिए बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन रेटिंग के बारे में। अभी जो कॉम्प्लिकेशन रेटिंग है, मगर ब्लड में सीआरपी बढ़ गया, अगर सिर्फ सीआरपी बढ़ता है तो नॉर्मल ये हो सकता है कि आपको वायरल फीवर हुआ था, वहां पर भी सीआरपी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ। मगर ये बहुत अगर ज्यादा बढ़ जाए, उसका मतलब हो सकता है कि कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस लुपस के जैसे कुछ ऑटोइम्यून डिजीज, तब जाके चिंता की बात बढ़ता है। मगर अगर ये सीआरपी थोड़ा बहुत बढ़ता है और सस्पेक्ट होता है एक डिजीज, क्योंकि इन्फेक्शन सस्पेक्ट किया जा सकता है, उसको ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, तो मैं कहूंगा इसको जो डिफिकल्टी रेटिंग होगा वो होगा 6 out of 10। आखिर में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जिनसे आप खुद को इस बीमारी से बचा सकते हो। एक बोनस टिप जाते जाते, सीआरपी अगर आपका बढ़ जाए तो सिर्फ सीआरपी ही देखना नहीं चाहिए, उसके साथ साथ ईएसआर को भी देखना चाहिए, उसके साथ साथ टोटल ब्लड टेस्ट को भी फॉलो करना चाहिए, उसके साथ साथ आपको अगर जरूरत पड़े तो और भी टेस्ट का हेल्प लेना चाहिए, जैसे कि यूएसजी, अगर आपके सस्पेक्टेड इन्फेक्शन कुछ बॉडी के ऐसे पार्ट में जहां पर यूएसजी किया जा सकता है, तब यूएसजी कीजिए, और फाइनल जो रिजल्ट है वो देखने के बाद ही डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन के लिए बढ़ता है तो उसके लिए टोटली डिफरेंट मेडिकेशन, मगर यहां पर अगर सीआरपी बढ़ता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए, तब ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट होंगे। इसलिए अगर रॉन्ग जजमेंट हो जाए, रॉन्ग डायग्नोसिस हो जाए, तो बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो यह ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे टेस्ट एक साथ कीजिए, फिर उसके बाद ही डिटरमिन कीजिए क्या हो रहा है। चलिए, इस वीडियो का अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, यहां पर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और इस वीडियो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज आएंगे फ्यूचर पे और आप उसको देख सके, आप अपने खुद की बॉडी के या शरीर के बारे में ज्ञान पा सके।